जब सत्ता पे काबिज हुए तो उन्होंने कहा पप्पू का शब्द गया कि पप्पू फेल हो गया। मैं आज आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आज पप्पू फेल नहीं है। आज हमारे पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय हमारे नेता है भारत के, वो आज फेल नहीं है। आज हमारे राहुल गांधी जी जो लोग कहते पप्पू फेल हो गया, पप्पू आज पास होगा। ये कैसे आदमी तुम्हें पाल रखे हैं तेजा, साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अकल 10 पैसे की भी नहीं है। अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई तेरा ही पत्ता बिछा देगा, तेरे को कुछ करना पड़ेगा। और आप अपने फोन के पीछे देखिए, ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है, राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा, राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कैलाश जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे चुटकी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। साथ इन देश के वास्ते इंदिरा जी गांधी शहीद हो गया, राहुल जी गांधी शहीद हो गया, और भी कई नेता शहीद हो। अरे राहुल जी जीता है, सॉरी। इसके पहले तो इंटरेस्ट इतना राहुल जी के विश्वास नहीं था, पर जब दो तीन चक्कर मैं उनसे मिल चुकी, उन्होंने हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा कैसी हो, तब से मैं समझी कि हाँ ठीक है, ये भी चाहते हैं, तब से मैं शादी का इरादा बना ली। मिले हैं कभी तुमसे? जी साक्षात तो वादा नहीं किए हैं हमारे फेस टू फेस, पर वैसे वादा करते हैं, जब मैं उन्हें अपने सपनों में देखती हूँ तो वादा करते हैं कि हाँ मैं तुमको चाहता हूँ, जो तुम कहोगी वो करूँगा। I like it। सपने में आते हैं? जी जी। क्या कहते हैं सपने में? सपने में आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा करूँगा। तुम्हें बीबी का दर्जा दूंगा, वादा करते हैं, फिर मेरे साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। यार देखिए सीधी सी बात है, ये जो पूरा तमाशा चल रहा है, ये नोटबंदी नंबर 2 है, इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाए वो, ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना, मगर जो उनके 15 दोस्त हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरा का पूरा पैसा जो बनेगा वो पूरा का पूरा उन 15 लोगों की जेब में जाएगा। What the f*** is this guy talking about? Is this guy trying to fry my brain? I am so lost right now. Even Google Maps cannot show me. बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? मैं पप्पू हूँ, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में, इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। मैं हैरान हूँ, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूँ? कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।